राहुल मिश्रा ने, हमने जो नॉमिनेशन फाइल कराया था उसके विरोध में राहुल मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की थी कि मेरा, मुझे भी पार्टी ने एक भी फॉर्म दिया है और उसके हिसाब से मैं भी कैंडिडेट हूँ, प्रत्याशी हूँ। तो ये पूरे सुबह से ये एपिसोड चलता रहा, कल तक तो हमें कुछ नहीं पता था। सुबह पेपर में आया कि दो प्रत्याशी हैं उसमें बीएसपी से, दोनों को ए बी फॉर्म मिला हुआ है। ये वाली बात जब पेपर में पढ़ी हमने और हमारे संगठन के लोगों ने, बीएसपी के संगठन ने, तो फिर उसमें भागदौड़ की कि कहाँ पर ऐसा कोई कागज़ आ गया सामने जिसकी बिना पर राहुल मिश्रा ने इतनी बड़ी बात कह दी। हम लोग आए सुबह से, सब संगठन के लोग भी आए, उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने सारी बात ऊपर से भी जानकारी ली, फिर उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, साक्ष्य भी उनके, जो हमारा नॉमिनेशन के लिए हमने फाइल डाली थी और जो ए बी फॉर्म हमको मिला था, फिर उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी का कन्फर्मेशन लेटर भी लगाया हमने, दिया, लेकिन वो नहीं मान्य किया गया। तब चुनाव आयोग, तब मान्य नहीं किया गया, तब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को बहन जी की तरफ से ही फैक्स किया गया। वो पेपर भी लगाए हमने लेकिन वो भी नहीं मान्य किए गए यहाँ पर। और फिर माननीय बहन जी से बात हुई, कॉन्फ्रेंस में बात हुई, यानी सुबह से 10 बजे से लेके रात के ये टाइम 10 बजने वाले हैं, 12 बजे तक हमको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, इतना ज़्यादा कि हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। ये परेशान करना, जो भी षड्यंत्रकारी हैं इसके पीछे, उसको मैं क्या कहूँ, बस मन से बद्दुआ निकलती है कि एक ये भी नहीं सोच रहे हैं कि एक महिला आगे आई है तो उसको हम सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, हमारे पति को भी इतने साल से परेशान कर रहे हैं, 2014 से, और अब हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है आज पूरे दिन। मैं आप लोगों के सामने जनता से ये कहना चाहती हूँ, जो फिरोजाबाद की आवाम है वो हमारा साथ दें और हमें जिताए ताकि हम इन लोगों का मुकाबला कर सकें। नहीं, षड्यंत्र के पीछे किसको मानती हैं आप? इसके षड्यंत्र के पीछे कौन है? विरोधी दल है, जो समाजवादी पार्टी।